दो नाम सामने आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों में। अनुवेश, एक अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जेपी नड्डा का नाम आपने लिया था कि उन्हें भी मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा तो बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? जी देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग अगर आज चाय पे चर्चा पे कोई चेहरा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का रहा है। जिस तरीके से अगर आप बीजेपी का पूरा इतिहास देखें तो जो पार्टी प्रेसिडेंट रहता है वो दूसरा कोई और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पे काम नहीं करता है। हालांकि इससे पहले अमित शाह जो थे वो होम मिनिस्टर भी थे और उसके साथ साथ वो पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन आज चाय पे चर्चा पे जब जेपी नड्डा का वहाँ पे दर्शन हुए, जेपी नड्डा जब वहाँ पे मौजूद थे, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये अटकलें भी तेज हो गई कि अब पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो बदल जाएगा। कहीं ना कहीं अभी जो 2024 का बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा, जनरल इलेक्शन लड़ा, वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लड़ा और उन्होंने सरकार भी बना ली, लेकिन इसके बावजूद जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट के साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो कैबिनेट में निभाएंगे या वो वहाँ पे सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट के हैसियत पे मौजूद थे। लेकिन जनरली ये देखा गया है, जिस तरीके से चाय पे चर्चा पे जिनको बुलाया जाता है, जनरली वो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाया नहीं जाता है। तो इसलिए आप ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं, जेपी नड्डा इससे पहले मोदी 1.0 में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ उन्होंने संभाली थी और कहीं ना कहीं उनका काम अच्छा रहा था, उनका जो कार्यवाही कार्यकाल रहा था वो काफी अच्छा रहा था। लेकिन आगे चलते हुए जेपी नड्डा अगर पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो अगला पार्टी प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? अगर तरुण आप ये बता सके कि कौन ऐसे नाम है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि वो भी चाय पे चर्चा पे मौजूद थे, तो कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो मौजूद हो सकता है, जो अगला बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है? देखिए अनुवेश, इस चाय की चर्चा पे चार अध्यक्षों के नाम, जिनके नाम की चर्चाएं थी, वो चारों के चारों उस चाय की चर्चा पे मौजूद थे। चाहे आप भूपेंद्र यादव की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, अमित शाह की भी चर्चा थी कि अमित शाह भी दोबारा पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं, वो भी चाय की चर्चा पे मौजूद थे। और चौथा नाम आपने जेपी नड्डा के लिया, वो हो सकता है। आप ये देखिए, एक नाम जो जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर जो हैं वो उनको मंत्रिमंडल नहीं मिला, में जगह नहीं मिली, कैबिनेट नहीं मिला। पिछली बार उनके पास दो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय और साथ साथ खेल मंत्रालय उनके पास था, तो दो मंत्रालय उनके पास थे और दोनों में ही उनकी परफॉर्मेंस जो रही वो बहुत अच्छी रही और अपनी सीट तो उन्होंने जिताई ही, साथ ही कई राजपूत सीट्स पे भी उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। तो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी हंच फीलिंग है, और वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय जो बीजेपी को चाहिए वो एक ऐसी ऐसा एक अध्यक्ष चाहिए, यंग फेस हो, यंग लीड हो, जो एक काम करने एक्सपीरियंस भी हो उसका। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी में कई ऐसे युवा नेता है जो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, और वहीं पे अनुराग ठाकुर का नाम बहुत अच्छी तरह आता है। अगर अनुराग ठाकुर नहीं होते तो दूसरा हंच आपका किसका रहेगा? ये हंच पे हम जरूर नजर रखेंगे, बट अगला हंच आपका किस पे रहेगा? मुझे ऐसा अभी भी लगता है, या तो अनुराग ठाकुर या अमित शाह दो ऐसे नाम है जो पार्टी बीजेपी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। और अनुवेश, एक सवाल किया आपने, जैसे कि चाय पे चर्चा की बात कही, तो मैं जानना चाहूंगी कि प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि 100 दिन का मुद्दा वहां रखा गया, 5 साल का एजेंडा वहां बनाया गया। आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी देखिए, पहली बात तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जिस तरीके से अगर आप इसको क्लासरूम की चर्चा के अगर बताएं, जिस तरीके से मोदी जी ने अपने सारे स्टूडेंट्स को या फिर अपने सारे मंत्रियों को, ये क्लासरूम नहीं था, उनकी क्लास नहीं ली गई थी, बल्कि ये बताया जाएगा उनको एक दूरंदेशी की तरह से एक उनको गाइडेंस दिया गया कि आगे चलते हुए आप किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर मोदी 1.0, मोदी 2.0 और एनडीए अभी 3.0, अगर आप इनको देखा जाए तो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, मोदी जी इसीलिए इतने सफल प्राइम मिनिस्टर बन पाए हैं क्योंकि उनका काम पे जो डिलीवरेबल है उस पे काफी ज्यादा फोकस रहा है और डिलीवरीज हुई हैं। अगर आप बड़े नतीजों के लिए जाए, बड़े जो महत्वपूर्ण डिसीजंस जो लिए गए, अगर उनको देखें, 370 हटाया जाना, कश्मीर पूरे देश में एक विधान, एक संविधान, एक नेता को जो लाना, वो एक बड़ा फैसला है यहाँ पे जो मोदी 2.0 में लिया गया। वहीं पे उसी के साथ साथ आप डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए, आप
जीएसटी की बात की जाए, आप डिफेंस कॉरिडोर्स की बात की जाए, डिफेंस में जिस तरीके से हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, डिफेंस में हमने जिस तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है, हम अब अपने देश के लिए ही फाइटर जेट नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे देशों के लिए हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट जो बढ़ाया गया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो जिस तरीके से काम हुए, जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो डिलीवरीज हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए अगला 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले 100 दिन में हर मंत्रालय में किस तरीके से काम होगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब जरा बात मंत्रालयों की कर लेते हैं। देखिए संभावित मंत्री कौन कौन होंगे इस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब उन्हें पद कौन से दिए जा सकते हैं इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ चर्चा चल रही है आप सभी पत्रकारों के बीच में? सीसीएस के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं वो किन के पास जा सकते हैं, जैसे गृह मंत्री हो, वित्त मंत्रालय हो, किन के पास जा सकता है? मोदी जी की सरकार है जी, देखिए ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे कौन सा डिसीजन, कौन सा सरप्राइजिंग एलिमेंट किस वक्त पे आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। हालांकि यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो सीसीएस के पद है, अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री ले लें, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ले लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लें, होम मिनिस्ट्री ले लें, ये चार जो महत्वपूर्ण, ये जो रायसीना हिल पे जो चार मिनिस्ट्रीज हैं, पीएम के उम्मीदवार ऑब्वियसली प्रधानमंत्री है जो आज शपथ लेंगे, उनको घटक दल का नेता मान लिया गया है, उनको उन्होंने अपने दावेदारी जो है वो राष्ट्रपति के सामने ऑलरेडी रख ली है। लेकिन ये जो चार कैबिनेट ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं डिफेंस कवर करता हूं, मैं तो चाहूंगा राजनाथ सिंह बने रहे, मैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कवर करता हूं, मैं ये चाहूंगा कि ऑब्वियसली एस जयशंकर जो काफी सक्सेसफुल रहे हैं वो बने रहे, वहीं पे होम मिनिस्ट्री जो है वो अमित शाह के पास रहने की काफी अंदेशा बताया जाता है। लेकिन तरुण जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत दिलचस्प तरीके से कवर करते हैं, बहुत इंटरेस्ट उनका है। आप क्या सोच रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी? देखिए जो अभी तक का कार्यकाल रहा है निर्मला सीतारमण का, वो काफ़ी सक्सेसफुल कार्यकाल रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट आने के दो तीन दिन पहले, मतलब फ्राइडे को रिजल्ट आया कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8.2% हो गई, जो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, और हमारी जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट ग्रोथ में थी। और कोविड हमने बहुत अच्छे से संभाला, ठीक है, आरबीआई के रिजर्व्स इतने बड़े, और भी यदि हम देखें तो डीबीटी का जो मैटर है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट में हो सकता है हम थोड़ा पीछे रहें, लेकिन जो पीएस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, डिविडेंड हमें सबसे अच्छे मिले। तो यदि हम पूरा यदि पोर्टफोलियो देखते हैं तो निर्मला सीतारमण का जो कार्यकाल है वो काफ़ी सक्सेसफुल कार्यकाल में से एक माना जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि वो अपनी बात हिंदी उसमें बहुत अच्छे से नहीं रख पाती, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण रिपीट कर सकती हैं, या पीयूष गोयल, या एक और जो सरप्राइजिंग नाम जो चल रहा है वो जेपी नड्डा का चल रहा है कि वो वित्त मंत्री, इन तीन में से कोई एक वित्त मंत्री जी। जी देखिए, जिस तरीके से चार रायसीना हिल पे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो चारों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखने लायक होगा कि कंटिन्यू करेंगे कि कोई नए चेहरे आएंगे। मेरे हिसाब से मेरा हंस ये कहता है कि वो चारों जो पहले मंत्री थे वो कंटिन्यू करेंगे। भव्य आपने अपने अपने फेवरेट चेहरे तो बता दिए, लेकिन देखिए बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। सरप्राइजिंग फैक्टर वो उनकी आदत से बनी हुई है, आज क्या कुछ होता है, कौन से सरप्राइजिंग फैक्टर होते हैं आने वाले वक्त में, इस पर नजर रहेगी हमारी, आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया तरुण और साथ ही अनुवेश इस पूरी जानकारी के।